डियर स्टूडेंट, कोर्स नंबर GPB 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ, इस कोर्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे PGNP ब्रीडिंग। PGNP मीन्स अरहर, कॉमन नेम इज अरहर। सो लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर। PGNP इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप ऑफ इंडिया एंड इट रैंक्स सेकेंड आफ्टर चिकपी। चने के बाद दूसरी महत्वपूर्ण दाल वाली दलहनी फसल है। क्षेत्रफल और उत्पादन के दृष्टिकोण से इट इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन मील एज ए दाल। यह भारतीय भोजन की महत्वपूर्ण घटक है दाल के रूप में। इट कंटेन्स 20-21% प्रोटीन और मोर इवन। इट हैज डीप रूट सिस्टम विच हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो अंडर लिमिटेड मॉइस्चर कंडीशन एंड हेंस इट्स ए क्रॉप विच इज ड्रॉट टॉलरेंट और रेजिस्टेंट। इट इज C3 प्लांट एंड इज ए लॉन्ग डे प्लांट ऑल्सो। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द सोइल करेक्टरिस्टिक्स एंड फर्टिलिटी स्टेटस। बींग ए लेग्यूम इट फिक्स नाइट्रोजन विच इज नॉट ओनली सफिशियंट फॉर इट्स ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बट ऑल्सो लीव्स द रेजिडुअल नाइट्रोजन इन द फील्ड एट द रेट 40 kg पर हेक्टेयर। यानी कि अपनी अरहर एक ऐसी फसल है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा भी करीब 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन को भूमि में छोड़ती है फिक्स करने के बाद में। इट आल्सो प्रोवाइड्स ए गुड क्वालिटी ऑर्गेनिक मैटर टू सोइल बाय लीफ फॉलिंग। बहुत भारी मात्रा में पत्तियां और फूल और दूसरे अवशेष मिट्टी में गिरते हैं, इनकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ती है और भूमि की जो है गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री इट आल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल। एक तरह से हरी सब्जी के रूप में भी इसकी फलियां, हालांकि इनकी वैरायटीज अलग होती हैं, तो इसकी फलियों को काम में लिया जाता है बहुत से गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। इट्स हस्क और कर्नेल और पोड हस्क आर गुड क्वालिटी फीड फॉर कैटल। द स्टॉक ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फ्यूल बास्केट मेकिंग एंड रूफ एटसेट्रा। इसका जो है ना, जो इसका भूसा है वो बहुत अच्छे चारे के रूप में स्पेशली बकरी भेड़ ऊंट इत्यादि के लिए और दूसरे पशुओं के लिए भी, और टोकरे टोकरियां भी बनाई जाती हैं अरहर की, और कुछ छतों में और छान में जो कच्चे फूस के जो घर बनाए जाते हैं उनमें रूफ के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी डंडियों का जलाने के रूप में तो गांव में काम लेते ही हैं। इन दिस वे PGNP इज द मोस्ट टॉलरेंट एंड रेजिस्टेंट क्रॉप टू ड्रॉट अमंग ऑल पल्सेस। सभी प्रकार की दलहनी फसलों में ये सबसे महत्वपूर्ण है जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन। PGNP कॉमन नेम अरहर तुर रेड ग्राम। बॉटनिकल नेम कैजनस कैजान। फैमिली लेग्यूमिनेसी और फेबेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n=22 = 2x यानी डिप्लोइड स्पीशीज के रूप में ये विद्यमान है, और 2n = 22 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजन ऑलमोस्ट इंडिया है, पर कुछ वैज्ञानिकों ने अफ्रीका को भी माना है।
nature of pollination, it's a often cross-pollinated crop. Very, very important point it is for the exam purpose, for any competitive exam purpose, pre-PG exam ke purpose se, JRF ke purpose se, कि दो प्रकार के प्राय फसलें हमारी होती हैं, स्वपरागित फसलें और परपरागित फसलें। तो ये ऑलमोस्ट स्वपरागित फसल है अरहर, लेकिन ऑफन क्रॉस पोलिनेशन है, ये ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप को हम उस क्रॉप को कहेंगे जो प्राय सेल्फ पोलिनेटेड तो है, लेकिन उसमें आउट क्रॉसिंग की जो परसेंट मात्रा है That is greater than 5%. 5% से अधिक अगर उसमें आउट क्रॉसिंग होता है, ऐसे सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप को हम ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप कहेंगे, बहुधा परपरागित फसलें। और इस ग्रुप में अरहर के साथ साथ में आपका कॉटन, आपका ज्वार, ये हमारे फील्ड क्रॉप्स में महत्वपूर्ण फसलें हैं जो ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप की कैटेगरी में आती हैं। तो इस पर्पज से इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप ध्यान रखें, तीन उसके प्रत्यक्ष उदाहरण कपास, अरहर और ज्वार, जो कि बहुधा परपरागित फसलों के ग्रुप में आती हैं। प्रोजेनिटर कैजेनस कैजानी फोलियस, दिस इज वाइल्ड प्रोजेनिट अपीयर्स टू बी ए टॉल बुशी प्लांट क्वाइट लाइक पिजन पी। द पिजन पी आर जनरली पेरेनियल्स एज द प्रिमिटिव नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉप। हाउएवर द कल्टिवेटेड पिजन पीज आर एक्सक्लूसिवली ग्रोन एज एनुअल। मैच्योरिटी ड्यूरेशन के आधार पर पिजन पी ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पीरियड पिजन पी आर क्लासीफाइड इंटू टू ग्रुप्स, बाई कलर वन एंड सेकेंड वन फ्लेवर्स। बाई कलर जो ग्रुप है वो क्या है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन मैच्योरिटी वाला ग्रुप है जो करीब 180 200 210 दिन पकाओ में लेते ले। लार्ज पीटल्स होते हैं इसके, contains 4 to 5 seeds per pod, generally grown in North India, और इसकी पैदावार अच्छी होती है, प्राय ड्रॉट रेजिस्टेंट भी होते हैं, वैसे लंबे समय साल भर की फसल हो जाती है, करीब करीब अगले सीजन में आती है। दूसरी फ्लेवर्स, ये अर्ली मैचरिंग वैरायटी है, करीब 150 130 से 150 दिन में पक जाती है। इट contains 2 to 3 seeds per pod, और generally grown in South India in वेल इरीगेटेड एंड शोर्ड इरीगेटेड कंडीशंस में इसको बोया जाता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग हैबिट्स इट कैन बी ग्रुप्ड इन टू कैटेगरीज। वन इज डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट, अनदर इज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट। ऐसा कुछ अन्य पल्सेज और ऑयल सीड क्रॉप में भी ये डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट पाई जाती है। बाय डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट एक निश्चित उसकी अवधि में वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाती है और फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट होती है। लेकिन जब वेजिटेटिव फेज भी चलती रहती है और रिप्रोडक्टिव फेज भी स्टार्ट हो जाती है, वो स्थिति इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट कहलाती है। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट इन द केस ऑफ अरहर, द एपिकल बड्स ऑफ द मेन शूट डेवलप इनटू फ्लावर्स एंड फ्लावर्स अकर्स मोर और लेस इन सेम प्लेन। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट फ्लावर ड्यूरेशन इज लॉन्गर, यानी जो पुष्पन की प्रक्रिया है वो लंबी चलती रहती है। एंड फ्लावर अकर्स इन एक्सिलरी रेसीम्स स्प्रेड ओवर कंसिडरेबली लेंथ ऑफ द सिस्टम स्टेम। द फ्लावर्स आर बोर्न इन शॉर्ट रेसीम्स, ब्रेक्स आर स्मॉल विद ए थिक मीडियम नर्व
enclosing 1 to 3 young flowers per bud. The calyx tube campanulate with numerous glandular hairs and bulbous bases. Corolla is highly zygomorphic, papilionaceous, and generally yellow. It includes one standard, जिसको पीटल कहते हैं, one standard petal, जिसको flag बोलते हैं, two wings petals and two keel petals. Stamens are 10, जैसा अन्य प्राय leguminous crops में भी पाया जाता है, 10 stamens होते हैं, out of which 4 have short and 6 have long filaments. दो चक्रों में होते हैं, the diadems. The ovary is superior, subsessile with 2 to 9 ovules. Style is long, filiform and glabrous. Pigeon pea produces large number of flowers of which only 10% set seeds. मैंने कहा बहुत heavy इसमें flower fall होता है, flower drop होता है. केवल जितने भी flowers बहुत जबरदस्त तरीके से आते हैं, लेकिन उनमें से 10% flower से ही pod में set होते हैं, जिनमें बीज बनते हैं. तो ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर अबाउट द पिजन पी, उसका बोटनिकल डिस्क्रिप्शन. अब आगे हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.